कोल इंडिया एक अंशीदार कंपनी महानदी कोल फिल्ड्स तालचेर कोल फिल्ड्स रु 100 मेट्रिक टन कोयला जोगाण करने को योजना करिछि। आर्थिक वर्ष 2021-22 रे कोयला उत्पादन ओ जोगाण धार्य लक्ष्य हासिल निमन्ते यह स्थिर भाव निज गति पथरे अग्रसर होउछि। तालचेर ठारे एक सांबादिक सम्मेलन गणमाध्यम प्रतिनिधि मानक सह आलोचना बेले एमसीएल अध्यक्ष तथा परिचालन निर्देशक प्रभात कुमार सिन्हा यह प्रकाश करिछन्ति। तालचेर कोल फिल्ड्स को 3-दिनिया गस्तरे आसीथिबा सीएमडी श्री सिन्हा एमसीएल निजर धार्य लक्ष्य को पूरण करने को बहुत भल भाव कार्य जारी रखिछन्ति। तन्मध्ये उत्पादन 163 मिलियन टन एवं डेस्पाच 182 मिलियन टन चलित आर्थिक वर्ष निमन्ते धार्य करा जायथिबा से कहिछन्ति। कोयला उत्पादन और परिवहन नियमित जांच कार्यदक्षता समीक्षा एवं विभिन्न सीएसआर कार्य कर्मचारी और पारिपार्श्विक लोकों सह जड़ित अन्य समस्या समाधान करने को सीएमडी गस्तर मुख्य उद्देश्य रही। एमसीएल निर्देशक गण जगन्नाथ जेएमके स्वर्णकार और वरिष्ठ पदाधिकारी सीएमडी गस्त काल उपस्थित थे। अभी 163 मिलियन टन का कोयला प्रोडक्शन का टारगेट है महानदी का और 182 मिलियन टन है डिस्पैच का, तो सब अपना जो टारगेट है हम लोग टारगेट के अनुसार चल रहे हैं और ये टारगेट हो जाना चाहिए। पिछले साल हम लोग 148 मिलियन टन किए थे प्रोडक्शन, तो 148 से हम लोगों को अभी करना है 163। तालचेर नरोत्तम साहू की रिपोर्ट, कामयाब टीवी।